की सिलसिलेवार वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 लुटेरों को रामपुर की तांडा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है इस गिरोह में बीते दिनों थाना क्षेत्र के एक सुनार के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें ये तथ्य सामने आए कि सुनार के गांव के ही दो युवक शाहरुख और रजत गुप्ता की रेकी पर लूट को अंजाम दिया गया था। पुलिस की पड़ताल में इन गिरोह का खुलासा हुआ। इस गिरोह में दिल्ली, नोएडा, मुरादाबाद, हापुड़ विभिन्न इलाके के युवक शामिल थे। पुलिस की धरपकड़ में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके से एक युवक भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दिनों टांडा थाना क्षेत्र में एक सुनार के साथ में लूट की घटना कारित हुई थी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया, इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करी, काफी तथ्यों को जांचा परखा। उसी दौरान एक तथ्य निकल के आया कि गांव का ही उस सुनार के गांव का ही शाहरुख और रजत गुप्ता नाम के दो युवक संदिग्ध प्रतीत हुए। इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की तो फिर उसके दौरान एक गैंग निकल के आया जो इंटर स्टेट गैंग का है, जिसमें दिल्ली, नोएडा, मुरादाबाद, हापुड़ ये कई जगह के लोग इसमें सक्रिय थे। इन्होंने मिलकर लूट कारित करी थी। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि गांव के ही दोनों लड़कों ने इस सुनार की रेकी करी जो पड़ोसी है, और उसके उपरांत लूट की घटना कारित करी। जब ये लोग लूट के माल की बरामदगी कर रहे थे तो पुलिस ने जब इनको पकड़ने का प्रयास किया तो इन्होंने पुलिस पर फायर भी किया, तो बदले में भी पुलिस के द्वारा इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। एक आरोपी इसमें से भागने में सफल रहा, शेष 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। अंतर्राज्यीय गैंग है, अंतर जनपदीय है? नहीं, ये अंतर्राज्यीय गैंग है जो दिल्ली में भी ऑपरेट करता है। पिछले दिनों ने दिल्ली में भी 10 लाख की एक बंद पड़े मकान से चोरी करी थी। बाकी भी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत लंबी है, इसको कनेक्ट किया जा रहा है। जो हमारी टीम है उसको 5,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा दिया।